नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम गोभी आलू की पार्टी स्टाइल सब्जी बनाएंगे। जिस तरह से पार्टियों में हलवाई लोग गोभी आलू को डीप फ्राई करते हैं, मसाला अलग से तैयार करके मिलाकर सब्जी बनाते हैं, हम गोभी आलू को डीप फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन सब्जी हमारी उतनी ही टेस्टी बनेगी जितनी कि गोभी आलू को डीप फ्राई करके बनाई जाती है। हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे। गोभी आलू की पार्टी स्टाइल सब्जी बनाने के लिए हमने ये तीन आलू छील कर ले लिए हैं। आलू को हमने पानी में डालकर रख लिया है, इन्हें हम काट लेंगे। आलू के बहुत ज़्यादा पतले पतले छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, क्योंकि वो जल्दी से गल जाते हैं और उतना अच्छा सब्जी का टेस्ट नहीं आता। गैस ऑन कर देते हैं और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। ये हमने फूल गोभी को फ्लोरेट करके अच्छे तरीके से धोकर ले लिया है। 300 ग्राम फूल गोभी है। कढ़ाई में हम 2-3 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। चौथाई छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे, फूल गोभी भी डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मसालों को 2 मिनट मिलाते हुए हम सब्जी को भूनेंगे। सब्जी में मसाले अच्छे तरीके से मिल गए हैं। हम इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे और इसके बाद हम इसे चलाएंगे। आग एकदम धीमी रखेंगे ताकि हमारी सब्जी जले ना। हमने सब्जी में बिल्कुल पानी नहीं डाला है, इसे इसकी भाप में ही हमें पकाना है। और जब तक हमारी इधर सब्जी पकेगी, तब तक मसाला तैयार करने के लिए हम दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई रख लेते हैं। 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1/2 पिंच हींग डालेंगे। और ये हमने खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और इसमें हमने 4 लौंग और 10-12 काली मिर्च लिए हैं। मसाले को हल्का सा भूनते हैं। हमने 2 टमाटर लिए हैं, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरे मिर्च, इनका हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट हम मसाले में डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम सब्जी को चला देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में सब्जी को चलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सब्जी हमारी कढ़ाई के तले में लगे ना। सब्जी को हमने चला दिया। सब्जी को हम फिर से ढककर 5-6 मिनट तक धीमी आग पर पकाएंगे और फिर चलाएंगे। मसाला भुन रहा है इधर, इसको भी हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। गोभी आलू को चेक कर लेते हैं। हमें टेक्सचर से ही लग रहा है कि गोभी आलू पक चुके हैं और हम इसे कलछी से दबाकर भी देख लें तो ये पूरे कट रहे हैं, यानी आलू नरम हो गए हैं और गोभी भी क्रंची नरम हो गया है। इसे भी हम दबाकर देख लेते हैं। गोभी आलू पककर तैयार हो गए हैं और गोभी आलू को पकने में 20 मिनट लगे हैं। हमने इसे 4 बार 5-5 मिनट के लिए ढककर पकाया और चेक किया। मसाले से तेल अलग हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसाले का कलर भी कितना अच्छा आया है। हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। अगर आप सब्जी को थोड़ा सा और लटपट चाहते हैं तो 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। और इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे। ये 1/2 इंच अदरक के हमने जूलियस बना लिए थे और गरम मसाला हमने 1/4 छोटी चम्मच से कम लिया है, क्योंकि हमने साबुत गरम मसाले इसमें ज़्यादा डाले हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालकर मिला देते हैं और मसालों में उबाल आ रहा है। हम ये मसाले अब गोभी आलू में डालकर मिलाएंगे और सब्जी को ढककर बिल्कुल धीमी आग पर 3-4 मिनट तक पकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, सब्जी बनकर तैयार है और इस सब्जी को बनने में सिर्फ 25 मिनट लगे हैं। सब्जी को हम प्याले में निकाल लेते हैं। गोभी आलू के पार्टी स्टाइल सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है और बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई है। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हम सब्जी की गार्निश कर देते हैं।
सब्जी को हम चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।